ऐसे ब्रह्मा जी महाराज, ये ब्रह्मा जी के हमारे आपके जो अभी इस बार की जो सृष्टि थी, ब्रह्मा जी की सप्तमी तिथि की, या मैं जो सबसे पहले मनु महाराज, पहली सृष्टि के मनु स्वयंभू मनु जी हुए, और स्वयंभू मनु जी को जब रिटायरमेंट हो गए और दूसरे मनु राजा हो गए, स्वयंभू मनु सुनंदा नदी के किनारे जाकर बैठकर तपस्या करने लगे। और स्वयंभू मनु के मनु जी के मुख में से ईसा वास्योपनिषद का एक सूत्र निकला है, आत्मा वास्यमिदं विश्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां हृदयकस्विद्धम्। ईसा वास्यमिदं विश्वम, ये समस्त विश्व ईश को आशय है, निवास स्थान है। महाराज ये मनुष्य जो है, ये चलतो फिरतो भगवान को मंदिर है, और यह चलते हुए देह रूपी मंदिर में आत्मा रूपी परमात्मा बैठे हैं, और कोई भी भूखो ना रह जाए, कोई भी दुखी ना रहे, ये सिद्धांत मनु जी, और राक्षसों को सिद्धांत, दैत्यों को असुरों को या कि विपरीत है, दैत्य माने दैत्य इति स दैत्य, दूसरे को कुछ ना मिले सब कुछ मेरे पास आ जाए, ये विचार दैत्य का। और राक्षस किसको कहते हैं, बोले जक्षती इति राक्षसा, जो खाने पीने की वस्तु दाल रोटी चावल सब्जी इनको भी खा जाए, और ना खाने की वस्तु पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी खा जाए, सब कुछ खाने वाला कौन, राक्षस। और असुर का मतलब असुसु रमन्ते इति असुरा, जो केवल अपने प्राणों का पोषण करे, चाहे परिवार भूखा रहे, चाहे गांव भूखा रहे, चाहे बहन चाहे भाई चाहे पिता चाहे माता चाहे रिश्तेदार, किसी के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं, अपना खाना अपना कमाना अपने मस्त रहना, केवल अपने बारे में जो सोचे वो असुर, असुसु रमन्ते इति असुरा, सब कुछ खा जाए वो कौन, बोले जक्षती इति राक्षसा, केवल हमको ही सब मिल जाए दूसरे के पास कुछ ना रहे वो कौन, बोले दैत्य इति स दैत्य। ये दैत्य असुर राक्षस मनुजी को मारने को आए, भगवान ने यज्ञ रूप से प्रकट होकर और मनुजी की रक्षा करी, ये पहले मनमंत्र की कथा थी। चौथे मनमंत्र में भगवान ने गज की ग्रह से रक्षा की। राज परीक्षित कहने लगे, महाराज ये गजग्रह की कथा जरा सुना दो। सुखदेव जी कह रहे, राजा क्षीर सागर में त्रिकूट नाम को पर्वत हो, आसीत गिरवरो राजा त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देना व्रतः श्री मामा योजना मिश्रितः। वो त्रिकूट पर्वत में तीन ऊंची ऊंची चोटियां थी जिनको कोई पार नहीं कर पाता हो। ये त्रिकूट पर्वत में चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर जंगल थे, बगीचे थे, उन घने वनों में नदियां बहती थी, तालाब थे, सरोवर थे, बहुत से जीव जंतु त्रिकूट पर्वत के नीचे तलहटी में वो मैदान में जहां जलाशय थे सरोवर थे रहते थे। उन्हीं वनों में एक विशाल हाथी अपने परिवार के संग रहता, या के परिवार में हजारों हाथी हजारों हथनियां हजारों बच्चे थे, विशाल परिवार के संग एक गजपति एक हाथी रहता था। एक बार इतनी गर्मी पड़ी महाराज, जितने भी जल के स्रोत थे सब सूख गए, नदियां सूख गई, तालाब सरोवर झरने सब सूख गए, सब जीव जंतु पानी के बिना व्याकुल होने लगे। महाराज यह त्रिकूट पर्वत के ऊपर ऋतुमान नाम को एक बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें एक बहुत बड़ा तालाब हो सरोवर, जिसमें मणियों के घाट थे, सुनहरी सुनहरी कमल खिलते थे,
और इस तालाब में एक मगर रहता हो, जब नीचे के जलाशय सूख गए, हाथी ने ऊपर को सूंघ करके सूंघा तो इसको मालूम पड़ा कि पर्वत के ऊपर कहीं पानी है। हाथी अपने परिवार के संग पर्वत के ऊपर आयो और ऋतमान नाम के बगीचा के बीच में सुंदर तालाब देखा, सरोवर, प्रसन्न हो गए। वो साफ धड़ाधड़ धड़ाधड़ हाथी अपने परिवार के संग तालाब में कून कून के स्नान करने लगे, पानी पीने लगे। सूंड भर भर के हथनियों को स्नान कराने लगो हाथी। वो कमल के फूल तोड़ तोड़ के अपने बच्चों को खिलाने लगो। वो हाथी हथनी साफ धमाधम धमाधम तालाब में स्नान करने लगे। वो कीचड़ पानी में घुल गई, पानी गंदा हो गया और तालाब कीचड़ कीचड़ जैसा गंदा हो गया। वो तालाब में रहने वाले मगर को क्रोध आ गया, देखो इस हाथी ने अपने परिवार के संग आके मेरे सब सरोवर को नष्ट कर दियो, गंदो कर दियो। मगर क्रोध में आयो और इस मगर ने, ग्राह ने उस हाथियों को जो मुखिया हो, हाथियों को जो राजा हो, उसको पैर पकड़ के हाथी को जैसे ही घसीटो है, हाथी अपनी सहायता के लिए बड़ी जोर से चिंघाड़ो है। और हाथी ने जैसे ही चिंघाड़ लगाई, अपने राजा को विपत्ति में देख के इसके परिवार के हाथी हथनी सब दौड़े अपने राजा की सहायता करने। कोई सूंड पकड़ के, कोई पूंछ पकड़ के, कोई पैर पकड़ के, एक दूसरे को रस्सी खींच की तरह, और महाराज अपने राजा को बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन पानी में मगर को बल ज्यादा रहे, जमीन पे हाथी को बल ज्यादा रहे, हाथी कमजोर पड़ने लगे। हाथियों ने विचार किया, ये हमारा राजा तो मारो ही जाएगा, हम क्यों अपने प्राण दें, चलो भाग चलो सब, किसी दूसरे को राजा बना लें। अपने राजा को विपत्ति में छोड़ के और महाराज सब चले गए। अकेलो वो हाथी मगर से युद्ध लड़ता रहो। गज ग्रह को 1000 दिन तक युद्ध भयो। समा सहस्त्रम व्यगमन महीपद, 1000 दिन तक युद्ध भयो। ये हाथी समझ गयो कि काल रूपी मगर ने पैर पकड़ लियो है, अब तो भगवान ही रक्षा कर सके। प्रार्थना करी है, हे प्रभु, हे गोविंद, अब आप ही मेरी रक्षा करो। अब मोरी अभिमोरी राखो लाला जे हरी, अब मोरी राखो लाजे हरी, अब मोरी राखो लाजे हरी, अब मोरी राखो लाजे हरी, तुम मोरी राखो लाजे हरी, तुम मोरी राखो लाजे हरी, तुम मोरी राखो लाजे हरी, मोरी राखो लाजे हरी, अब मोरी राखो लाजे हरी, अब मोरी राखो लाजे हरी। आवाज़ मोसे इस रात नाही, 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 अलचीन घर अब मोरी राखो लाजे, अब मोरी राखो लाजे हरे, अब मोरी राखो लाजे हरे। सारा सुधान मोह लिए तारा सुख मोह लिए तारा
पति को बेगी उबारो, सूरे पति को बेगी उबारो, सूरे पति को बेगी उबारो, सूरे पति को बेगी उबारो, 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 सूरे पति को बेगी उबारो, मोहे पति को नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे चराचर जगत के गुरु, आज से आप मेरे भी गुरु। ये हाथी ने गुरु नहीं बनाए थे और निगुरे को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, चाहे कितनी भी वो साधना कर ले, चाहे जितनी तपस्या कर ले, चाहे जितनी। माता पार्वती ने 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी को गुरु बनाया, नारद जी से मंत्र लिया, उसका जाप किया, पार्वती को शंकर मिले। माता जानकी ने 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी को गुरु बनाया, नारद जी से मंत्र लिया, जाप किया, राम जी प्राप्त हुए। 5 और 7 वर्ष की अवस्था में गुरु बना लेना चाहिए बालक को, यह भक्ति मार्ग का सिद्धांत है। आचार्य परंपरा में थोड़ा अंतर है। आचार्य परंपरा में क्या है, बोले 8 वर्षम ब्राह्मण पुत्रम उपनयेत, 8 वर्ष से पहले ब्राह्मण बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए, 8 वर्ष गर्भ के 9 महीने सहित, यानी 7 वर्ष 3 महीने में यज्ञोपवीत और गुरुजी बन जाने चाहिए ब्राह्मण बालक को, अन्यथा उसके शरीर की इंद्रियों में जो तेज बढ़ेगा वो उसको गलत रास्ते में ले जाएगा 7 वर्ष के बाद। द्वादश वर्षम क्षत्रिय पुत्रम उपनयेत, 12 वर्ष के पहले 9 महीने गर्भ के, 11.25 वर्ष में क्षत्रिय बालक को गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, गायत्री की 11 माला रोज जाप करना चाहिए, अन्यथा 11 वर्ष के बाद क्षत्रिय बालक की नाड़ियों में जो तेज पैदा होगा वो उसके दिमाग को विखंडित करेगा, गलत रास्ते को दिखाएगा। 16 वर्षम वैश्य पुत्रम उपनयेत, 16 वर्ष से पहले सेठ जी के बालक 9 महीने गर्भ के, 15 वर्ष 3 महीने में सेठ जी के बालक का भी यज्ञोपवीत होके और उसको 11 गायत्री की माला कम से कम रोज जपना चाहिए, गुरु मंत्र की 64 माला रोज जपना चाहिए। इतना होमवर्क नहीं करोगे तो ये इस जीवन की कक्षा में पास नहीं हो पाओगे, संसार में पास फेल हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, वहां की परीक्षा में पास होना जरूरी है।